आज हम करेंगे ये वाला लुक, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरा मुंह देखें कितना सूजा हुआ लग रहा है। खैर ये एक्ने खत्म हो गई अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन तब थी जब मैं ये वीडियो बना रही थी। ये ग्लैम गर्ल की पैलेट है, ठीक है। इसमें मुझे सबसे बुरी बात ये लगती है कि इसमें ना चीज़ें मिक्स हो जाती हैं आपस में, तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं। खैर नेक्स्ट टाइम मैं इसको बाय नहीं करूँगी, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब जिन लड़कियों को है ना सिलिका उन चीज़ों को यूज़ करने का, तो वेल एंड गुड है। मेरे अंदर नहीं है इतना कोई खास, तो फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ, आदत से मजबूर, मैं अलग अलग चीज़ें ही ले लूँगी। खैर इस पैलेट में ना ऑल इन वन चीज़ें हैं, तो कंटूर भी है, ऑल इन वन है, मतलब कंसीलर वगैरह, ब्लश भी है, तो मुझे ब्लश इनका बड़ा पसंद आया। खैर दूसरी इनकी ये ग्लो बाम है, ये मैं लगा रही हूँ। अच्छा ये आपको कोई फुल कवरेज नहीं देती, मैं आपको पहले ही बता दूँ, इसको फाउंडेशन समझ के मत खरीदना। ये ग्लोई बाम है, इसके अंदर मॉइस्चराइज़र ऐड है, ये आपको बहुत माइनर कवरेज देती है। आप डेली वेयर में इसको यूज़ कर सकते हो, आप किसी शादी ब्याह पर नहीं इसको यूज़ कर सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको इसको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। इसमें ना शेड का बड़ा मसला है, ग्लैम गर्ल के शेड बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे नहीं इतने कोई खास इनके शेड अच्छे लगे। मैंने पहले इनका आइवरी शेड में ना एक स्टिक मंगवा ली थी। अच्छा हाँ मेरा हाल देखिए मैं क्या कर रही हूँ। खैर मैंने आइवरी शेड में इनकी एक स्टिक मंगवा ली थी, वो डार्क शेड था, बाकी शुक्र मैंने पोर्कलिन शेड में ही मंगवाई थी चीज़ें। तो फिर मैंने कहा मैं पोर्कलिन में ही ना मंगवा लेती हूँ, स्टिक भी मैंने अलग से मंगवा ली हुई है अब। तो ये ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको ब्लेंड करके आपको दिखाऊंगी, हाथ से भी हो जाती है लेकिन मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से करूँगी, यू नो आई एम वेरी रिच गर्ल। तो सीन ये था इनके शेड्स की हम बात कर रहे थे। इनके शेड्स में ये पोर्कलिन बहुत येलो येलो टाइप शेड था, और जो आइवरी था वो मेरी स्किन से डार्क था। तो खैर मैं अब क्या ही कर सकती हूँ, मंगवा तो मैंने लिया, उसको कलर करेक्शन के लिए यूज़ कर लेंगे। ये शेड ना मेरी स्किन पर बहुत पीला पीला लग रहा था, तो इसलिए मुझे ना मैं अब क्या ही कहूँगी। और मॉइस्चराइज़र है इसलिए फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फाउंडेशन में भी हम मिक्स एंड मैच करके कर लेंगे। और अच्छा लग रहा था बाय द वे, बुरा नहीं लग रहा था। और ये वैसे भी मीडियम कवरेज है इसकी, मतलब काफ़ी माइनर है, तो कोई बात नहीं यार, अच्छा है ये। और बाकी इनका ब्लश मुझे ये बहुत पसंद आया यार, इसका कलर ना मतलब अच्छा लग रहा है मुझे। ये ब्लश इनका अच्छा है, टिका रहता है। मैं ना जब भी मेकअप ट्यूटोरियल करती हूँ ना, कभी मुँह उठा के नहीं किया कभी ऐवी कर लेती हूँ कहीं जाना ना हो, ऐसे नहीं होता। मैंने जब कहीं जाना होता है मैं तभी मेकअप ट्यूटोरियल करती हूँ, अपनी मेकअप की चीज़ें ज़ाया नहीं करती, ठीक है। यहाँ पर मैं ब्लश इनका कर रही हूँ, आप हाथों से ही ब्लेंड कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मैं इनका पाउडर यूज़ करूँगी, इनका पाउडर मुझे नहीं पसंद आया, जो सीधी सी बात है नहीं पसंद आया, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँगी, ये देखें ड्राइनेस देखिए मेरी आँखों के ऊपर। खैर अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ जॉनसन्स का बेबी पाउडर। आपने ओ करना है और मुंह खोल लेना, मतलब जिस तरह हम वो करते हैं ना मस्कारा लगाते हुए, तो ताकि आपकी आईज़ के नीचे क्रीज ना पड़े, वरना वो इकट्ठा हो जाता है सब कुछ। ये मिस रोज़ की पैलेट है, और यहाँ से मैं ब्रशेज़ से ना यूज़ कर रही हूँ, क्या यूज़ कर रही हूँ, ब्राउन शेड। और ये पतला वाला ब्रश था, ये ब्रशेज़ सारे जितने भी मैं यूज़ करूँगी वो लॉर्ड शॉप डॉट पीके के होंगे। और बाकी इनका अब मैं पता नहीं क्या यूज़ करूँगी, हाँ ये हाइलाइटर इनका मैं यूज़ करने लगी, इनका हाइलाइटर नहीं पसंद आया मुझे। अभी देखना मैं इससे करूँगी ना, ये ना ब्लेंड नहीं होता, तो इससे ना आंखों के मतलब साइड पे मैंने यूज़ करना था वो नहीं हुआ, शायद मुझे करना नहीं आया, या फिर ये फारे क्या है, मतलब मुझे नहीं पसंद आया। खैर मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती, यूज़ करने के बाद प्रॉपर जब 2-3 दिन गुजर जाएंगे अच्छे तरीके से मुझे समझ आ जाएगी, फिर मैं आपको इसका बता दूँगी। फिलहाल तो मेरी तरह से ये फेल है। बाकी इनकी फाउंडेशंस अच्छी हैं ग्लैम गर्ल बाय मैविश की। इनका एक ये आईब्रो, ये देखें ये आईब्रो पैलेट जो है ना, ये मुझे बहुत पसंद आई है। इससे ना मैं आईज़ के नीचे भी कर लेती हूँ जो मैंने लगाना होता है, और आंखों के जो आईब्रोज होती है ना उन पे भी कर लेती हूँ, ये फैलता नहीं है मेरी आईब्रोज से, तो ये मुझे अच्छा लगता है। ये आईलैश कर्लर मैं आपको बता रही हूँ 5 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है, ताकि आपकी जो आईलैशेज है ना वो कर्ल हो जाएँ प्रॉपर। जिन लड़कियों की आईलैशेज बहुत छोटी है ना, बहुत छोटी, वो ना करें वरना वो टूटने का खदशा हो सकता है। जिनको आता है करना बस वही करें, बाद में ना बैठ के रो रही होंगे भाई मेरी आईलैश टूट गई है। खैर आप यहाँ पे देखें जूम करके, ये देखें भाई कितनी अच्छी लग रही है। और ये हमारा कॉमी मस्कारा है, मैं मस्कारा यूज़ करूँगी। यहाँ मैं थक गई हूँ यार, मैं बैठ बैठ के थक जाती हूँ, तुम लोग अंदाज़ा लगा सकते हो मैं कितनी काहिल औरत हूँ, मतलब मैं बैठ बैठ के ही थक जाती हूँ, टेक नहीं ना थी। और मैं बैठ बैठ के ना मेरे पाँव भी सो जाते हैं, तो मतलब बस मैं क्या ही बताऊँ, मैंने तो अपने जवानी में ही अपना बुढ़ापा देख लिया। तो खैर मेकअप मेरा कंप्लीट हो गया है, आप लोग मुझे सजेस्ट करना नेक्स्ट में कौन सी वीडियो लेके आऊँ, या मैं थक गई हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।